अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर फोटोशॉप के अगले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले पार्ट वन में हमने काफी हद तक काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, तो अभी हम कोशिश करते हैं मजीद कुछ चीजें कवर करने की। तो एडिट में जाने के बाद हमने डिफाइन पैटर्न वगैरह और डिफाइन ब्रश ना प्रेजेंस वगैरह, ये इस पे उसको आपने ब्रशेस का तो देख लिया था, पैटर्न का भी ये है कि ये ऐसा पैटर्न आपको ये शेप कर सकता है इजीली, जो भी आपकी ये पिक्चर है या जो भी आप बनाना चाहते हैं। और ब्रशेस भी इसी तरह शेप होते हैं, ये ऐसा ब्रश आपको यहाँ पर ब्रश पैलेट में दे देगा और इसको आप शेप कर सकते हैं आराम से। बाकी ये ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन वो इतने अभी जरूरी नहीं है। जो जरूरी जरूरी है हम वो कोशिश करें वो कवर अंदर करने की। कीबोर्ड एंड शॉर्टकट्स में आ जाए, कीबोर्ड एंड शॉर्टकट्स में देखें, फोटोशॉप डिफॉल्ट के जो शॉर्टकट्स हैं ये हैं कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, जो कि ओपन का न्यू का कंट्रोल एन है, ओपन का कंट्रोल ओ है, ब्रिज का ALT कंट्रोल ओ, इसी तरह फाइल का भी देखें, एडिट के ये मुख्तलिफ जो भी जितनी भी शॉर्टकट्स हैं कमांड्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब जैसे ये न्यू के लिए कंट्रोल एन है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो जो के डिफॉल्ट जो के इसकी इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल एन है, तो हम यहाँ कोई भी ऐसी कमांड जो के कंट्रोल के साथ हम चाहते हैं कि इजीली इजीली मतलब हम लोग उसको मतलब उसके जरिए इजीली उस चीज को खोल सकते हैं, जैसे न्यू को खोलना है तो कंट्रोल एन इजी कमांड है। लेकिन ये कि अगर समझते हैं आपके कोई और हो और तो उस वो लिख के आप यहाँ पर एक्सेप्ट करवा लें, अगर नहीं होगा तो यहाँ रेड करके मतलब आ जाएगा, नीचे एरर आ जाएगा, और एक्सेप्ट होगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह ओपन की कमांड है, कंट्रोल ओ है, इसी तरह ये कमांड है। देखें जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के बॉक्सेस खुलते जाएंगे, तो ये आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसको कैंसिल करें, आप मेन्यू को यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मेन्यू है और ये भी इसी तरह डिफॉल्ट है, जो भी है पैनल मेन्यू वगैरह, जो भी है फाइल वगैरह, और ये जितने मेन्यू में जितनी भी चीजें हैं आपके पास वो सारी इधर आई हुई हैं। अगर चाहते हैं आपके वो ना आप देखें, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ना ओपन की कमांड, हालांकि बहुत जरूरी है, ये ना दिखे, और इसका सॉरी कलर एक तो ना है, अगर नहीं देखना तो ये आई को यहाँ से इसको यहाँ से हाइड कर देंगे, ओके करेंगे तो अब फाइल खोलेंगे तो यहाँ आपको ओपन की कमांड नहीं मिलेगी। आपने देखा यहाँ ओपन की कमांड नहीं मिल रही। दोबारा इसमें एडिट में जाइए, मेन्यू में क्लिक करें, दोबारा ओपन पे यहाँ चेक करें, फिर इसको जब ओके करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पर देखा आपने, ये दोबारा आ गया। दोबारा एडिट में जाएं, मेन्यू में जाएं, और अगर यहाँ से आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हमने ये कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको ओके कर दिया। फाइल में जाएंगे तो देखें उसका कलर वहाँ से चेंज हो गया। अगर आप नहीं चाहते चेंज करना तो दोबारा वहीं पर जाएँ और यहाँ पे क्लिक करें और नॉन पे क्लिक करके ओके कर दें। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो आप चाहते हैं रखना, आप चाहते हैं कि इजीली मैं उन तक पहुँच जाएं और इजीली वो आपको अवेलेबल हो तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये मेन्यू के चंद ऑप्शन हैं। और इसके बाद प्रीफ्रेंस है, प्रीफ्रेंस में जनरल पे आ जाए तो सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। जब जनरल पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले कलर पिकर, एडोब विंडो और HUD कलर पिकर, ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी सेटिंग्स हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं कि उसके क्या इफेक्ट आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एडोब में मौजूद हैं, यहाँ पर चेक हैं और अनचेक हैं, आप उनको चेक करके देख सकते हैं कि क्या मजीद चीज़ें अवेलेबल हैं। और जूम रिसाइज विंडो, जूम विद स्क्रॉल विंडो यार अनचेक है, आप इसको चेक करके इसको अप्लाई करके ओके करके देख सकते हैं। इंटरफेस में आ जाए तो इंटरफेस में जो कलर है, स्क्रीन मोड का कलर ग्रे, ड्रॉप शेडो वगैरह जो भी बॉर्डर के हैं उनको मतलब, और रिस्टोर डिफॉल्ट वर्क स्पेस यानी आप कोई भी चेंजिंग करें उसके बाद
डिफॉल्ट पे इसको, इस बटन को क्लिक करने के बाद आप उसको डिफॉल्ट पे ले जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें चेक करके देखते रहें। इसी तरह कैमरा रॉ प्रीफरेंस है, और इमेज प्रीव्यू है, फाइल एक्सटेंशन वगैरह, सेव एज द ओरिजिनल फोल्डर वगैरह के, ये आप मुख्तलिफ चेक और अनचेक करके देख सकते। परफॉर्मेंस में ये है कि रैम का है, अभी मेरे पास जैसे 2 GB रैम है, 2 GB में से 950 ये यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा हो जाए, फोटोशॉप इसको ज़्यादा यूज़ करे, वो भी कर सकते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। कर्सर है नॉर्मल टिप पे है, स्टैंडर्ड पे है, मुख्तलिफ सेटिंग स्टैंडर्ड पे है, और प्रेशर प्रेशर और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके चेंज कर करके देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी है, गैमोर्ड ये, ग्रिड साइज वगैरह है, लाइट है, और ये मुख्तलिफ चीज़ें, कलर इसमें चेंज कर सकते हैं, मीडियम स्मॉल लार्ज वगैरह पे कर सकते हैं, यूनिट रोल्स वगैरह इन चीज उनकी उनकी सेटिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। गाइडगरी यानी ऑल इज जो भी फोटोशॉप की चीज़ें हैं उसमें जो कि आपको सामने नज़र आ रही हैं उसमें जो भी चेंजिंग करनी है आप इसके ज़रिए यहाँ से आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, और प्रेफरेंस में ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई जो कि हमने मेनू खोला था। बाकी इमेज मूड है, ये ग्रे स्वेल, उमूमन आपने इमेजेस देखी होंगी, कुछ इंडेक्स में भी होती हैं और ज़्यादातर RGB वगैरह में होती हैं, तो लैब कलर मल्टी चैनल उसमें होती हैं। तो ये देखें, इसमें अगर कोई होती है तो उसमें ज़्यादातर इंडेक्स कलर में जो होती है उसमें ज़्यादातर हम चेंजिंग नहीं करते। ग्रे स्वेल में अगर करते हैं उसको, जब करेंगे तो इस तरह की पिक्चर हमारे पास आ जाएगी, कंट्रोल जेड करके दोबारा वापस आ जाए इसमें। और ये मुख्तलिफ किस्म के मूड से आप जिसको एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके पास चीज़ें खुल जाती हैं, जिसमें ब्राइटनेस ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस बढ़ाने का, कंट्रास्ट कंट्रास्ट देखें, कंट्रास्ट बढ़ाने का, और इमेज में जितनी भी चेंजेस एडजस्टमेंट है, लेवल्स हैं, इसी तरह ये देखें इसमें भी ब्राइटनेस और जो ब्लैक कलर है वो उसको ज़्यादा डार्क करने का, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और एडजस्टमेंट में, और कर्व्स हैं, कर्व्स भी तकरीबन इसी तरह के यूज़ के लिए है। ये देखें, ये नीचे करेंगे, इसे नीचे करेंगे, मुख्तलिफ मुख्तलिफ एंगल पे जो जिस जैसी आपकी सेटिंग इमेज के साथ आती है आप वो कर सकते हैं। और एक्सपोजर ये देखें, ऑफसेट, ये मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग है, आप इसे अप्लाई करके जैसी आपकी ज़रूरत है आप उसको उस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वाइब्रेंस है, ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ इफेक्ट दे रही हैं, और जैसी आपकी ज़रूरत है आप उस तरह की चीज़ें यू एंड ये कलर की वो है। अब देखें अभी यहाँ पर कलर तो इस फुल्ली चेंज नहीं हो रहे, और यहाँ से जब ऊपर आप इस पे कर्सर पे ह्यू पे कर रहे हैं तो मुख्तलिफ कलर की सेटिंग चेंज हो रही है, लेकिन आपने टोटली एक ही कलर करना है तो यहाँ कलराइज पे चेक करें। तो अभी ये देखें, ये इधर से ये ग्रीन पे आ गया तो ग्रीन हो गया, ब्लू पे आ गया तो ब्लू हो गया, पिंक पे आ गया तो पिंक, और रेड पे तो रेड, और ज़्यादा डार्क करना है तो इसको यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे, तो अनचेक करेंगे, इसको कैंसिल कर दें, इमेज एडजस्टमेंट, और ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑलरेडी हो गई है, एडजस्टमेंट मजीद करनी है तो इसमें चीज़ें दी हुई हैं। और एडजस्टमेंट में ही फोटो फिल्टर है, फोटो फिल्टर में फिल्टर्स में चले जाएंगे, ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स दिए हुए हैं, आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, कलर अप्लाई करके देख सकते हैं। और ये कलर अप्लाई हुआ, बहुत लाइटली अप्लाई हुआ, कंट्रोल जी कर दें इसको, ये देखें दोबारा अपने उस पर आ गया ओरिजिनल पोजीशन पे। और फोटो फिल्टर के बाद चैनल मिक्सचर है, इसी तरह ये देखें, ये सब एडजस्टमेंट, ज़्यादातर एडजस्टमेंट ही है, किस तरह की एडजस्टमेंट आपको चाहिए। और इसी तरह इन्वर्ट है, ये देखें, ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल जी करें, और पोस्टराइज है, ये पोस्टराइज है, लेवल बढ़ा सकते हैं आप, फुल
ज्यादा चेंजेस बिल्कुल लास्ट लेवल पे ही आ रही हैं। थोड़ा इधर करके देखते हैं, ये देखें जैसे आपको जरूरत हो। फिर इमेज पे एडजस्टमेंट और स्टिल शॉट में देखें आप, इस तरह की पोजीशन हो जाएगी इसकी। और ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल इस तरह कर दिया इसने। एडजस्टमेंट ग्रेडियंट मैप जबरदस्त चीज़ है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट हैं, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें आप, और इसमें चेंजेस भी रिवर्स थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सेटिंग चेंज होगी। और एडजस्टमेंट में सिलेक्टिव कलर्स पे क्लिक करके देखें। सिलेक्टिव कलर्स के जब आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कलर देगा। आप इसको ओके करके देखते हैं तो ये पूरा यानी कलर सिलेक्शन के बाद यहाँ तक, ये तो हम किसी पिकर से यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल जी करें और एडजस्टमेंट में और क्या है, शेडोज एंड हाइलाइट्स। ये देखें ये चेंजेस, अमाउंट बढ़ाने से क्या होता है, शेडो मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चेंजेस जो कि मुख्तलिफ चेंजेस आपकी जैसी ज़रूरत है वैसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एच डी आर ट्यूनिंग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हैवी है, अगर रैम कम है तो इसको चेक ना करें आप, और कैंसिल करें इसको। सारी एडजस्टमेंट, नाम ही एडजस्टमेंट है तो मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस में मुख्तलिफ, देखो आपको ये इन्होंने दे दी है। और ये सारे पूरा बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप चेंज करके देख सकते हैं। और डिस्टॉर्ट में ये किया, एडजस्टमेंट में फिर किया, मैच कलर का भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इसमें इस कलर को यहाँ से करके देखते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। एडजस्टमेंट में ही मैच कलर, रिप्लेस कलर, और रिप्लेस कलर ओके, ये रिप्लेस कलर का है। कोई भी इमेज पे आपने चेंजिंग करनी हो तो यहाँ से कंट्रोल जैसे कॉपी ले लिया करें, या जो भी है यहाँ से डुप्लीकेट ले लिया करें जो भी है, ताकि ये है कि कभी चेंजेस ना सेव हो तो आपकी से जो इमेज में चेंजेस ना आए उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और रिप्लेस कलर के इक्वलाइजर पे क्लिक किया, कंट्रोल जेड करें तो ये देखें, तो ये एडजस्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शन थे। और ऑटो कंट्रास्ट के ऑप्शन में बार बार ये जब एडिट में देंगे तो अंडू ऑटो कंट्रास्ट है, जो भी ऑटो कंट्रास्ट हमने दिया है उसमें ऑटो टून को भी देख लें आप। मुख्तलिफ ऑप्शन को चेक करते रहें जो ऑप्शन आपको सूट करता है। ऑटो कलर कंट्रोल जी करते रहें और चेक करते रहें। कैनवास साइज है, कैनवास साइज यहाँ से आप जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको ओके करते हैं पास चेंजिंग नहीं आई, कंट्रोल जी करें और दोबारा इमेज में जाएं, और यहाँ पर कैनवास साइज है, इसको हम मिसाल के तौर पर 15 कर देते हैं। ओके कर दें, देखें तो ये आपका कैनवास बढ़ गया है यहाँ से। कंट्रोल जी करें, मुख्तलिफ जितनी आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से इमेज साइज है। इमेज साइज पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो मौजूदा हमारे पास इमेज है उसका साइज ये है। हम चाहते हैं कि ये छोटी हो जाए तो इसको 800 पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी चेंजिंग नीचे वाली की हाइट भी चेंज कर देगा। नहीं करना चाहते आप सिंगल, आप चाहते हैं अपनी मर्जी की हाइट हो तो 500 पे कर लें इसको, या जो भी है हम उसी के साथ ही करना चाहते हैं, ये इमेज चेंज हो गई। कंट्रोल जी से दोबारा उस पर आ जाए। और इमेज रोटेशन तो आपको वैसे 180 पे क्लिक करेंगे तो ऐसी पूरी फुल ऊपर से नीचे की तरफ ये टर्न हो जाएगी। और
इमेज रोटेशन पे भी देख लिया, इसी तरह 90 खड़ी हो जाएगी, राइट पे हो जाएगी, इसी तरह ये जो इमेज रोटेशन में जो लेफ्ट पे है, कितना एंगल देना है, 25। ओके, इतने में 25 पे करेंगे तो इतने पे आ जाएगी। और ट्रिम बॉटम टू राइट करते हैं। ओके, कहाँ थे हम, रिव्यू ऑल पर। कोई ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कहीं जरूरत भी काम आते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी उनकी जरूरत नहीं है। अप्लाई इमेज पे एक और है, जो पहले की इमेज है उस पे मर्ज हो जाएगी, कंट्रोल जेड कर लें। तो पहले जो हम किसी इमेज पे काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन में देख लेते हैं, कैलकुलेशन में क्या है। इसी तरह ग्रीन है, ब्लू ट्रांसपेरेंट है, इन्वर्ट है, और ये मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन, ये हमारे उसकी काम की नहीं है हम। और ये देखें, लायर में न्यू लायर लेने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, लायर फ्रॉम फोरग्राउंड ग्रुप, ग्रुप फ्रॉम लायर, लायर कॉपी, डुप्लीकेट लायर, इसकी यहाँ से डुप्लीकेट ले सकते हैं। और डिलेट लायर, जब डिलेट इस लायर को डिलेट करना चाहे तो ये देखें, ये लायर डिलेट कर दी, कंट्रोल जी करें। और लायर प्रॉपर्टीज में जाना है तो आप इसके प्रॉपर्टीज में नाम यहाँ से चेंज करने के लिए, यहाँ जरूरी नहीं है वहां से जाए, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं इस पैनल से जाकर। मूड्स हमने देख लिए लायर्स में, और क्या है, न्यू एडजस्टमेंट लायर, न्यू एडजस्टमेंट लायर वही है, ये ऑप्शन काफी जगह आपने देखा होगा। इसमें लेवल्स का एक्सपोजर वही है जो हम पहले देख चुके हैं, एक पे क्लिक करके देख लेते हैं। इस पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट देखें, रेड, ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके करके देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर दे देंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये लायर पैनल है हमारे पास। ये लायर पैनल के सारी चीजें उसमें, कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें इसमें लायर पैनल में आ जाएंगी। मर्ज डाउन, मर विजिबल, फ्लैटन इमेज, और ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आप के वक्त के साथ साथ आपको मालूम पड़ती जाएंगी। स्मॉल कलर रेंज, कलर रेंज वगैरह हम देख चुके हैं पहले ही, इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिल्टर में जब हम आते हैं तो जब कन्वर्ट टू स्मॉल फिल्टर, इसको जरूरत नहीं है। फिल्टर गैलरी में जब जाएंगे, फिल्टर गैलरी में देखें तो ये डिफ्यूज आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक में जाए, ये मुख्तलिफ फिल्टर अप्लाई अब जब आपने करने हो किसी भी इमेज पर, देखते रहे आप, मुख्तलिफ फिल्टर हैं, आपको जैसी जरूरत है आप उसको अप्लाई करेंगे तो इस तरह ये चेंजिंग आती रहेगी इसमें। और लेंस करेक्शन की हमें अभी जरूरत नहीं है। लिक्विडी, लिक्विडी एक जबरदस्त टूल है, ये भी देख लेते हैं। और किसी भी जैसी चीज को हमने, ये देखें, हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा ये इसमें एडजस्टमेंट हम कर लें, इसमें सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपकी जरूरत हो। और वेनिशिंग पॉइंट पे करके देखते हैं क्या है, ये अब हमारे मतलब का नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिल्टर्स में, और ये वही फिल्टर्स हैं जो वहां पर फिल्टर गैलरी में जब हम गए थे तो वहां पर हमने देखे थे, ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर हैं और ज्यादातर उसमें फिल्टर मौजूद है, लेकिन कुछ फिल्टर ऐसे भी हैं जो कि हम मतलब जो अलग से भी मतलब है उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो यहाँ इस पैनल में ही मिलेंगे। आर्टिस्टिक में क्लिक करते हैं तो फिर इसमें ये सारे वो जो से उस पैनल में हमें नाम समझ नहीं आते, तो यहाँ पर उसमें है। और यहाँ पर देखें एवरेज या ब्लोअर के बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिंगल सिंगल अप्लाई करते जाएं और बहुत अच्छे अच्छे इसमें
ऑप्शन है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मोशन ब्लोर है, मोशन ब्लोर को चीज को आपको किसी को मोशनाइज करना हो तो वो, तो आपने उमूमन देखा होगा कि किसी भी इमेज के पीछे अगर बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया जाए, जैसे हमने यहाँ से, हम इस टूल से करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल से, इसको प्लस पे कर लें और ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम फिल्टर में गए और ब्लोर में गए, मोशन ब्लोर पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। देखें अभी तो ये पूरा इस तरह, जैसे मिसाल के तौर पे आपके बैकग्राउंड में गाड़ी चल रही है या कुछ ऐसे चल रही है, तो उसको आप ब्लोर, इस तरह ब्लोर कर सकते हैं। अपनी इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसको आप पीछे से बैकग्राउंड को इस तरह ब्लोर कर सकते हैं। और ब्लोर में आप मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, आप अप्लाई करते रहें और ये चेंजिंग, हर सरफेस ब्लोर का मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो किसी भी, मतलब इसकी जिसकी स्कायरिंग हो, मतलब स्किन के में कोई प्रॉब्लम वगैरह दिखे तो वो उसमें उसके लिए अच्छा होता है। स्मार्ट ब्लोर भी इसी के लिए है। ब्रश स्ट्रोक्स, ये मुख्तलिफ सब फिल्टर से आप अप्लाई करके देखते रहें। ग्लास, ओशन टिंट, ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर हैं, आप अपनी इमेज पे अप्लाई करके देखते रहें तो आपको मालूम होता रहेगा कि किस तरीके से इनकी क्या रिजल्ट्स हैं। अगर मैं सिंगल सिंगल इनको बताने लग गया तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एम्बोस पे देख लेते हैं, एम्बोस देखें, इसकी अमाउंट जब हम बढ़ाते हैं, कम करके रखते हैं, थोड़ा सा अमाउंट इतना रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब अलग ही एक, मतलब खुद ही हुई चीज़ है जो भी है। मतलब बहुत सारे फिल्टर हैं, उनकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं, अगर बारी बारी उसको बताने में लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह ये यहाँ पर टूल्स पे आ जाते हैं। टूल्स में देखा है, ये राइट क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल मार्की टूल कहलाता है, एप्टिकल मार्की टूल, सिंगल ड्रॉ, जो भी है। पहले वाला टूल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था, इस तरह ये सिलेक्शन ले लेता है, कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये सेकेंड वाला टूल सिलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे, ये राउंड किस्म की हमने सिलेक्शन लेनी हो तो इस तरह होगा, कंट्रोल डी कर दें। और इसी तरह ये जैसे सिंगल है, सिंगल लाइन लेनी हो तो इस तरह कंट्रोल डी करें, और इसी तरह सेकंड वाला भी इसी तरह है, अगर साइड में लाइन लेनी हो ये इस तरह आ जाएगा सिलेक्शन। फिर इसमें राइट क्लिक करें, लेजर टूल कहलाते हैं, पॉलीगॉन लेजर टूल, मैग्नेटिक लेजर टूल, ये असल में सारे कोई एक सिलेक्शन टूल है। लेजर टूल पे हमने क्लिक किया हुआ है तो इसको जब हम एक राउंड इस तरफ घुमाएंगे तो ये सिलेक्शन ले लेगा, कंट्रोल डी कर दें। फिर राइट क्लिक करें, पॉलीगॉन, ये जिस समझ ले गम की तरह होता है, इधर एक क्लिक किया तो ये पूरी एक वायर बन जाती है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दोबारा जब मिलाएंगे तो ये सिलेक्शन बराबर ले लेगा, कंट्रोल डी कर दें। फिर राइट पे ये मैग्नेट, ये छोटी छोटी सिलेक्शन, जब आप किसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इस तरह घुमाते रहेंगे तो ये इस तरह क्विक सिलेक्शन आपकी, ये क्विक सिलेक्शन इसने सॉरी ले लिए इस तरह, कंट्रोल डी करें। तो ये इस तरह सिलेक्शन टूल है, इसी तरह ये भी सिलेक्शन टूल है, लेकिन हर किसी के मुख्तलिफ टाइप है, जैसे आपकी ज़रूरत है। क्विक सिलेक्शन टूल कहलाता है ये। क्विक सिलेक्शन टूल में मैंने जैसे अभी यूज़ किया था ब्लोर का बताने के लिए, तो ये वही है। और अगर यहाँ से ज़्यादा हो जाए, कम करने के लिए माइनस पे क्लिक करें, या थोड़ा सा एक एक सिंगल क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे कर लें और अपनी जो भी है, या ड्रैग थोड़ा बटन दबा के रखें लेफ्ट वाला और ड्रैग करें, इस तरह सिलेक्शन हो जाएगी, कंट्रोल डी। राइट क्लिक करें, मैग्नेटिक टूल, इस ये ज़्यादातर जिन एरिया में कलर सिंगल कलर होता है उनको बहुत जल्दी सिलेक्ट करता है। ये देखा आपने कि जिधर ज़्यादा कलर है, और ये देखें ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, जिधर सिंगल कलर होगा बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेता है। और तो जैसी आपकी ज़रूरत हो आप उसको सब यूज कर सकते हैं। ये क्रॉप, ये पूरी भी ये क्रॉप टूल कहलाता है, सी से हम देखते हैं, जब इस हम चाहते हैं कि इतनी इमेज हमें चाहिए तो इस तरह का ये ऑप्शन दे देगा। जब हम इस पे ऊपर देखें ये राइट साइन का निशान है, जब इसको ओके करेंगे तो उतनी इमेज उसने काट दी, कंट्रोल जी कर दें। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ टूल हैं, ये पूरे पैरामीटर्स दे दिए हैं इन्होंने, तो ये सारे मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, आप अप्लाई करके देखते रहें। आपको उसमें ये आई ड्रॉप टूल है, ये तो सेम, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर वहां पर देखें आप पैलेट में कलर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह कलर सैम्पलर है, ये देखें, ये उस कलर की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देगा। इस पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। रूलर भी तकरीबन यही है, जब उसको सिलेक्ट करेंगे इस एरिया को तो टॉप पे आपको यहाँ पर भी दे देगा और टॉप पे भी, ये देखें ये आ गया सब। और इसी तरह ये नोट है, इसमें कोई नाम लिख के आप लिख सकते हैं। और इसी तरह ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ये भी बहुत जबरदस्त टूल है। ये हमने एक वही इसका जो कि फेस स्किन और उसकी जो एक्ने की स्किन थी उस पर हमने ये अप्लाई करके देखा था, सेकंड वाला। और इसी तरह पैच टूल भी, तो ये स्पॉट हीलिंग टूल, ये ज्यादातर उसमें भी काम आते हैं और मुख्तलिफ काम भी लिए जा सकते हैं इससे। ब्रश टूल तो बड़ा मशहूर टूल है, ये ब्रश टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्रश के ऊपर मुख्तलिफ चीजें आ गई है, मुख्तलिफ ब्रशेस आ गए। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्लाइडर बढ़ाएंगे तो इसकी ये विड्थ बढ़ती रहेगी। अगर ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से जो के आपके पी के साथ जो के दो किस्म के ब्रैकेट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, अब उनको एक राइट वाला दबाएंगे तो बड़ा होगा, छोटा इसी तरह बढ़ता रहेगा। मुख्तलिफ आपने ब्रश यहाँ से लोड करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के ब्रश, जैसे कहीं भी आपके ब्रश सेफ हैं उसको लोड करने के लिए, आप यहाँ लोड सॉरी लोड ब्रशेस पे क्लिक करना है, लोड इस तरह आप यहाँ से ब्रश लोड कर लेंगे। दोबारा देख लेते हैं, यहीं से लोड ब्रशेस करेंगे और ये देखें पहले से ब्रशेस कोई लोड है। अब ये मुख्तलिफ ब्रशेस हैं, इनका साइज बढ़ा, ये देखें इनकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 100, पहले 48 पे थी, ये अब 100 पे आ गई है। Ctrl Alt Z, पेंसिल है, पेंसिल टूल देख लें, ये पेंसिल टूल का भी काम जैसे आपकी जरूरत हो। कलर रिप्लेसमेंट टूल है और ये भी हिस्ट्री टूल है, यानी जो आपने पहले ये काम किया है उसको इसको थोड़ा बढ़ा के ये पूरा, अगर मिसाल के तौर पर पहले कोई किसी के साथ काम हुआ हुआ है तो वो उसको दोबारा आपको उसमें करेगा। ये देखें ये कलर मिक्सिंग के लिए, जैसे पेंडिंग वगैरह टाइप के लिए आता है ये तो आपको पता ही होगा, इरेजर टूल है ये, क्योंकि यहाँ नजर नहीं आ रहा है, इसको देखें ये का ऊपर से ये चीजें रिमूव करने के लिए। और इसी तरह ये टूल्स भी हैं, मैजिक नेट, ये भी मुख्तलिफ, ये देखें आप, तो ये मुख्तलिफ किस्म के टूल है। पेंट बकेट टूल है, ये भी यहाँ पर जो कलर है ये देखें, और ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं ये वाला लें और यहाँ से इसकी किस तरीके से लेना है, इनकी जो या ऊपर से एक क्लिक करके नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा। सेंटर से लेना है, सेंटर्स में इस तरह आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये वाला लें तो इस तरह ऊपर से ड्रैग करेंगे नीचे तक, इस तरह आ जाएगा। राइट से करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह सेंटर से लेंगे तो इस तरह, जैसी आपकी जरूरत हो ग्रेडियंट चेंज करने के लिए। यहाँ से लोड करने के लिए यहाँ से ब्रेडर में क्लिक करेंगे, लोड ग्रेडियंट करेंगे, अगर कहीं आपकी फाइल पड़ी है ग्रेडियंट की तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, आपको नेट से बहुत सारे लोड हो। फिर राइट क्लिक करें, ब्लोर टूल है, ये उस जगह को ब्लोर कर देगा, थोड़ा सा बड़ा कर लें। आपने देखा ये आंख धुंधली होती जा रही है। इसी तरह फिर राइट क्लिक करें, ये शार्पन टूल है, अब उसको दोबारा करें, अभी दोबारा उस एरिया को शार्प करता जा रहा है जो कि हमने ब्लर किया था, ये एरिया थोड़ा शार्प हो गया, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी है इसमें ज़्यादा वाजह नहीं है, लेकिन ये कि आप जब करते रहेंगे तो आपको इस पर अंदाज़ा हो जाएगा। और
ये भी एक टूल है लिक्विड ही, उसमें फिल्टर में हमने देखा था यहाँ पर, ये लिक्विड ही ऐसी है, उस तरह के रिलेटेड टूल है ये, देखें इस तरह की ये चेंजिंग करने के लिए। और ये हैंड टूल है, राइट क्लिक करें, ये डॉजर टूल है, ये थोड़ा उस एरिया को ब्राइट करने के लिए, मतलब थोड़ा लाइट करने के लिए ये टूल है। बर्न टूल है, इसको थोड़ा डार्क करने के लिए, दोबारा डार्क कर दें। और ये इसी तरह स्पाउंड टूल है, ये भी उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंस ले आता है उसमें इमेज में। और इसी तरह ये पेन टूल है, पेन टूल का तो आपको पता है, पेन टूल से वैसे उमूमन सिलेक्शन में काम आता है, अपने कीबोर्ड से जब एक सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी चीज़ के, हम तो ज़्यादातर इन टूलों को जो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेहतरीन सिलेक्शन के लिए ये टूल कहलाता है पेन टूल। जब हम इसमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके एक प्रेस करें, फिर सॉरी कंट्रोल अभी ना प्रेस करें, पहले एक दफ़ा क्लिक कर लें, फिर मखदूबा आगे की जगह क्लिक कर लें, फिर सेंटर में एक क्लिक कर लें, तीन क्लिक हो जाएंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके, और इसको आप इस तरह कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह आप ये जहाँ पर जितनी सिलेक्शन लेनी है, फिर आगे टिक करें, क्लिक करें, फिर इसमें एक नुक्ता डॉट सेंटर पॉइंट लें, और फिर इसी तरह ये कंट्रोल के साथ कंट्रोल की और लेफ्ट माउस की को इस तरह जब हम करेंगे तो ये सिलेक्शन, अब जब ये सिलेक्शन पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जो जो आप जहाँ चाहते हैं, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करेंगे जीरो पे, और ओके करके कंट्रोल डी कर लेंगे। इसमें और भी बहुत सारे टूल हैं, हमें ज़्यादा इसे पेन टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी के टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट के लिए ये है, यहाँ क्लिक करेंगे आप मुख्तलिफ तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टूल ज़रा हैवी होता है, क्लिक करने के बाद अभी सो गया कंप्यूटर, इंतज़ार फरमाइए, साफ खुलेंगे, खुल गया। ये देखें नॉर्मल लिखने के लिए ये ओरिएंटल टाइप टूल है, वर्टिकल टूल ऊपर से नीचे लिखने के लिए, और इसी तरह ये दूसरे टूल हैं, क्लिक करके आप चेक करते हैं, एरो टूल हैं, और ये शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल्स हैं, बेसिकली शेप्स ही हैं, जब इसको ड्रॉ करते हैं तो एक शेप बन जाती है, ये देखें शेप लिखा हुआ आ गया, और जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ से शेप खुल जाते हैं, ये देखें कस्टम शेप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ की शेप आ जाएंगी, आपको वही शेप आपको मिल जाएंगी नेट से, लोड शेप करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी शेप्स होंगी आप उसको यहाँ पर लोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट हो जाएंगे। हैंड टूल तो आपको पता ही है इसके, और क्योंकि ये अगर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अगर आपने इस पर अप्लाई की हैं, बीच में रखी हुई हैं, इसको कंट्रोल जे करके देखते हैं, कंट्रोल कंट्रोल टी दोबारा अप्लाई करके, अब हैंड टूल इस्तेमाल करके देखें, इसकी वजह आई थिंक ये इधर से हमने ये रिमूव नहीं किया था, एक मिनट किधर गया, इधर गया और किधर गया, रूलर किधर गया, यहाँ पर तो इसको क्लियर करते हैं, यहाँ से क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम कहाँ थे, हाँ हाँ हैंड टूल पे थे। हैंड टूल उमूमन इसी तरह की चीज़ें जिस तरह एक्स्ट्रा आ जाती हैं हम उस पर यूज़ करते हैं, ये जूम टूल है, और ये इसका लायर का जो भी है फोरग्राउंड कलर और ग्राउंड कलर के लिए, यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आपके, और जो इसमें गलती कोताही हो, हम क्योंकि प्रोफेशनल तो टीचर नहीं हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा।